नमस्कार, स्वागत है आपका अमग्रा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 30 जून 2023, दिन है शुक्रवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में आधार बेस्ड पे ऑथेंटिकेशन का बड़ा है क्रेज, मई में रिकॉर्ड 10 मिलियन हुए है ट्रांजेक्शन। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन का क्रेज जो है देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक मई 2023 में आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन ऑल टाइम हाई यानी 10.7 मिलियन पर जा पहुंचा, जो कि अक्टूबर 2021 में सुविधा की लॉन्चिंग के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा है। वही मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए डेटा के मुताबिक लगातार दूसरा महीना है जब आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन जो है उसकी संख्या जो है 10 मिलियन से ज्यादा रही है। वही आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की ट्रांजेक्शन संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जनवरी 2023 के मुकाबले ये ट्रांजेक्शन 38% बढ़े हैं। वही उदय द्वारा तैयार किए गए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल जो है 47 संस्थाएं कर रही है, जिसमें राज्य सरकार के विभाग, मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालय और बैंक भी शामिल है। वही आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान इसकी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा पीएम किसान लाभार्थियों के सत्यापन और पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर भी यहाँ पर मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर पर ही यहाँ पर निकालने जैसे में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरकार के विभागों में कर्मचारियों की जो हाजिरी है अटेंडेंस के साथ, तो बिजनेस कॉरपोरेट के जरिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो TCS को लेकर बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल कार्ड पर लागू होने वाले नए TCS के नियम 3 महीने के लिए टले, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। केंद्र ने जो LRS जो है लिबराइज रिमाइंडर स्कीम जो है और TCS पर जो कई अहम फैसले जो है वो लिए है। TCS की नई दरें जो है 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी, मतलब केंद्र सरकार ने इसकी दरों को लागू करने के लिए 3 महीनों का समय और यहाँ पर बढ़ा दिया है। वह नए नियमों के हिसाब से विदेशों में 7 लाख के खर्च पर 5% TCS लगेगा, वह 7 लाख से ऊपर के खर्च पर 20% TCS देना होगा। इस नियम की तारीख 3 महीने बढ़ा दी गई है। वही मई में सरकार ने फेमा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स में बदलाव सरकार लेकर आई थी, जिसमें यहाँ पर LRS के दायरे में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड खर्च को शामिल किया गया था, जिसमें कोई निवासी विदेश में अधिकतम $2.5 लाख जो है सालाना तक भेज सकता है। इसमें सीमा के बाद RBI की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वही फेमा के नियम बदलाव से क्रेडिट कार्ड के खर्च को TCS के दायरे में लाया गया है। बात अब बताए अगली खबर की। तो गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर किया है 350 रुपए प्रति क्विंटल। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ का किया है ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य जो है FRP उसको बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल FRP को 2023 जो इसके लिए 310 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वही सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों को यहाँ पर फायदा होगा। वही पिछले 9 सालों में गन्ना का रेट जो है 105 रुपए इसमें बढ़ोतरी हुई है। वही 2013-14 में इसकी जो FRP जो है 210 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब बढ़ाकर 315 रुपए यहाँ पर प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। था व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकेंगे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम का पेमेंट। कंपनी ने नई सर्विस का किया है ऐलान। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया। दरअसल टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर UPI पेमेंट के माध्यम से अपना प्रीमियम भुगतान करने की अनुमति देने की एक सुविधा शुरू की है। वही कंपनी ने अपने बयान में यहाँ पर दावा किया कि यह उद्योग की पहली सुविधा है। बता दें आपको कि देश में लगभग 500 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता है, आज 300 मिलियन से अधिक UPI उपयोगकर्ता है। वही कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ऑपरेशन हेड है संजय अरोड़ा, उन्होंने इस मौके पर कहा है कि टाटा AIA में इस सुविधा को व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर PayU के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया है। वही इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कंपनी में डिजिटल मोड के जरिए इनोवेशन और प्रीमियम संग्रह की सक्षम उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने प्लेटफॉर्म को 5 भाषा में यहाँ पर बढ़ाया गया है, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती और बंगाली रूप इसको बढ़ाया गया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो छोटे कारोबारियों को UP सरकार या योगी सरकार का तोहफा, वैसे मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फायदा। अगर आप छोटे कारोबारी है, उत्तर प्रदेश से है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब छोटे कारोबारी को यहाँ पर सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर UP में मिलेगा। दरअसल इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों का
मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वही इस योजना के लिए यूपी में योगी सरकार ने भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का फायदा लेने के लिए कारोबारियों की उम्र जो है 18 से 60 के बीच होने की बात कही है, क्योंकि इस उम्र के लोग जो है योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें आपको कि दुर्घटना के बाद स्थायी रूप से अपंगता पर सीएमओ की ओर से जारी किए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसको अनिवार्य होगा। वही कारोबारी की दुर्घटना पर पीड़ित परिवार के सदस्यों को बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी एक कॉपी जो है सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री को जमा करानी होगी। इसके बाद डायरेक्ट लेवल पर नामित नॉमिन को जो है बीमा राशि जो है उनके खाते में भेजी जाएगी। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है सौगात, रोजगार सहायकों को दिया है बड़ा तोहफा, मानदेय में की है बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने रोजगार सहायकों को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल राज्य के अंदर रोजगार सहायकों के सम्मेलन के दौरान सीएम ने चुनावी साल में उन्हें इस तरह के लाभ देने की अहम घोषणा की। उसमें खास घोषणा है कि रोजगार सहायकों का मानदेय जो है दुगुना कर दिया है, 9,000 से बढ़ाकर उसे 18,000 करने की बात कही है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब उनकी सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में बीजेपी सरकार चुनावी साल को देखते हुए कर्मचारियों को साधने में लगी हुई है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब प्रदेश के रोजगार सहायकों को एक बड़ा सम्मेलन जो है भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें यहां पर 20,000 से अधिक रोजगार सहायक आए थे। उस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक अब क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आपका खाता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों की सुविधा में इजाफा करते हुए रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट की सर्विस को शुरू कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI उसने 29 मई को ऐलान करते हुए कहा है कि ग्राहक अब जो है यूपीआई ऐप्स पर अपना जो है रुपे क्रेडिट कार्ड के सारे पेमेंट कर सकेंगे। वही बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक यूपीआई ऐप्स पर बनी यहाँ पर यूपीआई जो है इस पर बिना किसी रुकावट के साथ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। वह अपने ग्राहकों को सूचना देते हुए बैंक ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को फिजिकल क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। वही ग्राहक कहीं भी QR कोड या POS मशीन के साथ मर्चेंट आउटलेट्स पर जो पेमेंट करने में सक्षम जो है वो ग्राहक हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है ट्विटर को लेकर। ट्विटर यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। अब सक्सेसफुल प्लान लेने वाले लोग 25,000 तक करेक्टर यूज कर सकते हैं एक मैसेज में। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने करेक्टर लिमिट को यहाँ पर 25,000 तक कर दिया है। साथ ही अब यूजर्स जो है करेक्टर के साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे। दरअसल कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। दरअसल ट्विटर ने बताया है कि इन फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू टिक वाले लोगों को ही मिलेगा। वही कंपनी के मालिक जो है एलन मस्क, उन्होंने अपने एक ट्वीट में यहाँ पर कहा है कि लॉन्ग फॉर्म पोस्ट में सुधार किया गया है। वैसे पहले कंपनी ने 14 अप्रैल को ब्लू टिक जो ब्लू सक्सेसफुल क्रिएटर है उसकी लिमिट को 280 से बढ़ाकर 10,000 के तब ट्विटर पर बोल्ड और इटैलिक जैसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्विटर क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन के फीचर को भी पेश किया गया, यानी आप ट्विटर पर पैसे भी आप कमा पाएंगे। वह एलन मस्क ने 14 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा है कि आप अपने फॉलोअर को लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट के लेकर लंबे घंटों तक लंबे वीडियो को यहाँ पर भेज पाएंगे। वही सेटिंग बस आपको मोनेटाइजेशन पर टैप करना होगा। मोनेटाइजेशन की गई कमाई का कोई भी हिस्सा अगले 12 महीने तक ट्विटर नहीं लेगा। हालांकि एंड्रॉइड iOS पर 30% फीस जो है वसूलता है। ये चार्ज जो है क्रिएटर की इनकम डेडिकेट हो जाएगी। बाद में यहाँ पर वेब चार्ज जो है 8% के करीब है।